जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो भाजपा से बेहतर हैं, हमारा कैंपेन बेहतर रहा, हमारा मैनिफेस्टो बेहतर रहा। ये जो भाजपा बार बार बोलती है कि हिंदू मुसलमान इस देश में सबको बराबर का अधिकार है, और सब ने निर्णय किया फीडबैक लेने के बाद कि सबसे उपयुक्त उम्मीदवार कन्हैया कुमार होंगे, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। इस बार हम भाजपा से ज्यादा सीटें जीतेंगे राजस्थान के अंदर। दिल्ली की सातों की सातों सीट पर मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार के लिए राजस्थान के और कांग्रेस के जाने माने नेता सचिन पायलट प्रचार करने पहुंचे थे। सचिन पायलट से हमने भी कुछ बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर कन्हैया कुमार की दावेदारी को लेकर कांग्रेस के अंदर जो मतभेद था क्या वो सुलझ गया है, क्या पार्टी ने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है, क्या और कोई विकल्प नहीं था। ये सारे सवालों के जवाब हमने सचिन पायलट से लेने की कोशिश की। राजस्थान में 25 सीटों पर इस बार किसकी जीत होगी इस पर भी बातचीत की, लेकिन इसके लिए आपको देखना होगा ये इंटरव्यू। सर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली आप होकर आए हैं और आपने वहाँ पे हिस्सेदारी की बात की, सेंसस की, आप कास्ट सेंसस की आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस लगातार ये मुद्दा उठा रही है लेकिन बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है कि आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को इसमें फेवर देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, कैसे कुछ है इस पर आप बीजेपी से क्या कहेंगे? बिल्कुल स्पष्ट, हमारा जो घोषणा पत्र उसमें लिखा हुआ है, इस देश में जो गरीब है, पिछड़ा है, वंचित है, वो किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी, प्रांत का हो, उसकी मदद हमको करनी चाहिए। और इस देश में जो गरीब है उसको हम सिर्फ धर्म के नज़रिए से देखें गलत है। और ये जो भाजपा बार बार बोलती है कि हिंदू मुसलमान इस देश में सबको बराबर का अधिकार है, सबको बराबर का हक है, और हमारे घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा कि हम किसी धर्म या जाति, धर्म या किसी और मापदंड को ध्यान में रखेंगे। हम चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए, और हमने कहा है कि हम हर गरीब परिवार को, जो देश के सबसे गरीब परिवार हैं उन लोगों को 1,00,000 रुपये का प्रतिवर्ष आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। इसमें धर्म जाति की कोई बात ही नहीं आती है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ से कन्हैया कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको लेकर लगातार पार्टी में भी विरोध देखने के लिए मिल रहा था और कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट हैं। देखिए, जब कोई टिकट की सीट पे होता है तो बहुत से लोग दावेदारी करते हैं, टिकट तो एक व्यक्ति को मिलता है, और सब ने निर्णय किया फीडबैक लेने के बाद कि सबसे उपयुक्त उम्मीदवार कन्हैया कुमार होंगे, उनको पार्टी ने टिकट दिया है, पूरी पार्टी पूरी ताकत से उनके साथ लगी हुई है और वो चुनाव जीतेंगे। अगर मैं राजस्थान की पर्टिकुलरली बात करूं तो हर बार बीजेपी को वहां पर जो है, वहां पर पिछले इलेक्शन में भी देखें तो 26 की 26 सीटों पर जीत मिली, तो क्या इस बार क्या तैयारी है कि इस बार कांग्रेस कड़ी टक्कर दे पाएगी, कितनी सीट निकाल पाएगी राजस्थान में? आपको राजस्थान में 25 सीटें हैं और पिछली बार हम लोग वहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो भाजपा से बेहतर हैं, हमारा कैंपेन बेहतर रहा, हमारा मैनिफेस्टो बेहतर रहा। इस बार हम भाजपा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे राजस्थान के अंदर। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को, आपने उनकी बात तो जान ली लेकिन इस पर आपका क्या टेक है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।